शलवार कमीज या शॉल या वो जो हम लेते हैं या स्ट्रेट पैंट्स और लंबी शर्ट वगैरह, मोस्टली उनके साथ थोड़े से पीप टोस वाले लग रहा था। वो भूल गई, लेकिन वो बिल्कुल ही भूली। उन्होंने मुझे मेरा छोटा सा जो गिफ्ट, मेरे लिए तो बहुत बड़ा गिफ्ट है जो उन्होंने दिया। हमारे मुल्क की जो एक तो बहुत अच्छी बात है ना, वो एक मेहमान नवाजी है। मुल्क की जमा पूंजी मेरी तिजोरी है। अस्सलाम वालेकुम। मैंने वही जो मेरा पूरा चल रहा है आजकल का वीक के अकॉर्डिंग टू विंटर्स, हम लोग थोड़े से अच्छा थोड़े वगैरह वेस्टर्न कपड़ों को, वेस्टर्न तो नहीं कहना चाहिए, एक वे अदर वे ऑफ स्टाइलिंग होती है जिसमें आपकी पैंट्स होती हैं, शर्ट होती है और वॉर्म स्वेटर वगैरह होता है। जो लोग बाहर के मुल्कों में रहते हैं, जो अंग्रेज़ हैं, वो अगर वो कपड़े पहनते हैं तो किसी खास वजह से पहनते हैं, क्योंकि वो उनको सर्दी से बचाता है। तो अगर आप फुल स्लीव्स पहनती हैं और हेड कवर वगैरह करके अगर आप थोड़े वो कपड़े ले लें तो उससे ये होगा आप सर्दियों में महफूज रहेंगी, और यकीन करें कि आपके पैसे भी कम खर्च होंगे। शलवार कमीज़ आप जितनी भी वो लें, महंगी पड़ती है लेना सिलवाना सब कुछ, और सर्दी से वैसे आपको महफूज भी नहीं रख सकती। अब तो गैस और बिजली के इतने ज़्यादा बिल हो गए कि अगर आप कोई एक आधा जीन्स ले लें और उसके ऊपर लंबी शर्ट्स पहनना शुरू कर दें स्वेटर शॉल या जैकेट के साथ, तो आपको बहुत वो सर्दी से महफूज रखेंगी। तो मैं जैकेट, ये मेरी एक शॉर्ट जैकेट है और एक लंबी जैकेट है जो मैं पहनती हूँ। आज ये जैकेट पहन के मैं जा रही हूँ, क्योंकि है तो दोपहर लेकिन ठंड बहुत है। जो शेयर आपके साथ मैंने करना था, मैं अभी आने के बाद सेंटोरियस भी जाऊँगी, मेरी बर्थडे तो सितंबर में होती है, लेकिन मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जिन लग रहा था वो भूल गई, लेकिन वो बिल्कुल ही भूली। उन्होंने मुझे मेरा छोटा सा जो गिफ्ट, मेरे लिए तो बहुत बड़ा गिफ्ट है जो उन्होंने दिया। पता क्या हुआ, अल्लाह ने बहुत मुझे बचा लिया। मैंने थोड़े दिन पहले आबिद को कहा, मैंने कहा कि आबिद मैं उन सब की बर्थडेज पे जाती नहीं हूँ, ये वो और वो सारी मेरी भूल गई हैं। तो आबिद ने कहा कोई बात नहीं, हम लोगों का इतने सालों का साथ है, कोई बात नहीं, एक साल अगर वो भूल गई, वरना वो हमेशा हमारे सरप्राइज़ देती हैं, मेरे घर भी आती हैं। तो वही हुआ कि उन्होंने मुझे, मैं लंच पे हम लोग किसी और की बर्थडे पे गए, लेकिन उन्होंने मेरे लिए भी साथ केक और गिफ्ट वगैरह अरेंज किया हुआ था। तो थैंक यू वेरी मच, उनको पता है वो कौन है। तो उन्होंने मुझे दिया है, ये बहुत प्यारा पैक किया है, जो मेरी फ्रेंड है दूसरी, बड़ी सलीका से, ये सारे अंदर अच्छा सा, इसको बहुत क्यूट सा बैग में बहुत अच्छा सा पैक किया है। उस वक्त मैंने नहीं खोला था, मैंने कहा आप लोग भी मेरे सब सब्सक्राइबर फैमिली है, मैं इनके साथ ही पास ही आप लोग के खोलूँगी। इसके अंदर ये एनवलप था, बहुत प्यारा सा है, बॉडी शॉप का। तो ये है इसके अंदर बॉडी शॉप का गिफ्ट वाउचर है। ये बहुत एक्चुअली ना अच्छा आइडिया है गिफ्ट्स देने का, कि अगर आप किसी भी शॉप का, अब हर खाड़ी सना सफीनाज बॉडी शॉप, जो भी आप की, एक किकीज में किकू है, वो भी बड़ा अच्छा मेकअप ब्रांड है, वो भी है एसिक्स में, वो सब अब गिफ्ट, आपको गिफ्ट वाउचर्स देते हैं। तो आपको वो, आप वहाँ पे जाके उतने अमाउंट का ये गिफ्ट वाउचर है, ये इतने अमाउंट का वहाँ पे कोई भी अपनी पसंद की जो चीज़ भी आपको चाहिए हो वो आप गिफ्ट ले सकते हैं। तो ये उन सब ने मेरे लिए, हम लोगों ने लंच भी किया एक साथ और फिर उन्होंने गिफ्ट भी दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसकी आज हम शॉपिंग करेंगे इसी वाले जगह से जाके, और अच्छा है कि गिफ्ट वाउचर हो, ताकि आप वापसी पे उन पैसों के अंडे डब रोटी लेके ना आए, बल्कि आप अपने लिए कुछ अच्छा खरीद लें।
तो मुझे ना जरा ज़्यादा हो रहा है स्किन केयर का, मैं ज़्यादा मेकअप की बजाय स्किन केयर ज़्यादा करती हूँ। तो अच्छा, एक और चीज़ मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि बी सेफ और अपने पास अपनी हर तरह से अपना ख्याल रखें। और आजकल बहुत ज़्यादा मैं किस्से और बातें सुन रही हूँ, जो वो हो रहा है, जो अकाउंट आपके बैंक अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, सब कुछ उसके बारे में मैं इस वीडियो के एंड में आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी उनसे इजाज़त लेके। आज सुबह मैंने बताया था कि बॉडी शॉप आना है, वहाँ से कुछ जो चीज़ें चेंज करवानी थी, मैं जो सॉरी मुझे जो गिफ्ट वाउचर मिला था उसके लिए कुछ देखूँगी कि मैं क्या ले रही हूँ। तो अभी हम पार्किंग ढूँढ रहे हैं, मैं आई हूँ F10 वाला जो बॉडी शॉप है उस पर आई हूँ। सेंट टॉरस जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, सफ़ा गोल्ड में जा सकती थी क्योंकि साथ ही वो कीकू स्टोर है, मेकअप का कीकी स्टोर है या कीकू, मैं नाम भूल रही हूँ उसका, वो भी इटालियन ब्रांड है। तो मैंने सोचा था उसका भी ज़रा देखते हैं क्या कुछ मेकअप में नहीं आया, वैसे सफोरा याद आ रहा है, अल्टा याद आ रहा है, तो जरा वहाँ जा के देखते हैं। तो वो देखना था, पार्किंग ढूंढ के मैं अंदर जाती हूँ। मैं अब ना मेकअप प्रोडक्ट से ज़्यादा मैं स्किन केयर की तरफ आ गई हूँ। मुझे लगता है अगर हेल्दी स्किन है तो उसके ऊपर थोड़ा मेकअप भी अच्छा ही लगेगा। तो अभी मुझे लंबा रूट ले रहे हैं, कार पार्क होती है तो अंदर चलते हैं। बहुत दिन हो गए इस्लामाबाद मैंने नहीं दिखाया था, ये पार्ट इस्लामाबाद का वैसे भी मैंने कम ही दिखाया हुआ क्योंकि मैं खुद ही कम आती हूँ F10। ज़्यादातर तो कुछ अगर लेना हो या F10 वो जो मेरी कपड़ों वाली शॉप्स हैं उधर या अंजुम के घर हम लोग आते हैं, लेकिन वैसे आज आपको F10 का जो मरकज़ है, जो इस्लामाबाद में ना जो है जो मेन हर सेक्टर की जो मार्केट है उसको मरकज़ बोलते हैं, तो ये है F10 मरकज़। बहुत अच्छा लगता है, मेरा बचपन बहुत यहाँ पे गुजरा है इस हिसाब से क्योंकि हम लोगों का घर पास ही होता था, तो हम लोग जो बस जिसको जिसको ड्राइविंग आती जाती थी ना वो छोटे छोटे कामों के लिए F10 ही आया करता था। ये बिल्डिंग है किधर, बहुत अच्छी बनी है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है बाटा के साथ। और साथ में मैंने आज बाटा भी जाना है, मैंने अपने चप्पल लेने, वो भी मैं अभी शेयर करूँगी। अस्सलामुअलैकुम, वीडियो तो मैंने कल से रिकॉर्ड करना शुरू वैसे की हुई है, लेकिन वो जो मैंने जाना था वहाँ पर बॉडी शॉप वो मैं गई थी, लेकिन क्योंकि मैं अभी इतना कुछ लेकर आई हूँ ना अमेरिका से कि मुझे कुछ और अभी ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने वो रख लिया। वो 6 महीने तक वैसे वैलिड होता है, तो मैं कोई मेरा शैम्पू या कोई चीज़ ख़त्म होगी, शैम्पू मुझे 1-2 दिन में लेना है तो वो मैं फिर वहाँ से जा के ले लूँगी। मैं ज़रा खुद ही अपनी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। जो मैंने वही मैं जो आप लोगों से कह रही हूँ ना कि कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा वेस्टर्न ट्राई करेंगे, वेस्टर्न पहनना, तो कोई बुरी बात नहीं है। कोई कपड़े ये बुरे भी नहीं होते, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अगर आप हेड कवर करना चाहते हैं या फुल स्लीव्स वगैरह तो पहनने ही होते हैं सर्दियों में क्योंकि ठंड लगती है, तो उस तरह के कपड़े आपको मिल जाएंगे जो कि ज़्यादा गर्म होते हैं और आप और सस्ते भी होते हैं। और उनका ये होता है कि अगर आप उनको रिपीटेडली पहन भी रहे हैं तो कोई इतना बुरा नहीं लगता। जैसे मैंने आपको अब दिखाने हैं स्वेटर्स जो मेरे लंबे वाले हैं, वो मैं आपको शायद आज ही दिखा दूंगी, चले तो वो मैं आपसे रिकॉर्ड करूंगी। उनके नीचे आप स्ट्रेट पैंट्स पहन सकते हैं या पैंट आप खरीद सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी पाकिस्तानी भी अब आई हुई आउटफिटर्स पे, ब्रेकआउट पे, और हर एक दो और भी मैंने ऊपर देखा है, उसका नाम है मंत्रा, वहाँ भी बहुत अच्छी पैंट्स थी। तो इस तरह की जो जगह आप एक्सप्लोर करें आपको कपड़े वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। मेरे घर आ रही हैं आज एक गेस्ट के लिए, मैंने लंच है तो मैंने टेबल नॉर्मल सा सेट किया है, और लंच में क्या बनाया है वो भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और अगर वो हुई इफ़ इट्स ओके फॉर हर तो हम लोग उनके साथ भी थोड़ी सी बातें रिकॉर्ड कर लेंगे, उनके साथ मैं बातचीत जो होगी वो रिकॉर्ड करूँगी आपके लिए। अच्छा बताइए, मैंने टिश्यू पेपर बॉक्सेस बनवाए थे खुद से और ये हाथ का काम करवाया था, बहुत प्यारे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये आपके घर को ज़रा अच्छा वो करती है। टिश्यू पेपर का कवर तो आप काइंडली ज़रूर ही लिया करें,
अच्छा मैंने सोचा साथ साथ चाय पीऊँ, साथ साथ कुछ बातों का रिप्लाई कर दूँ। टेलर का सॉरी मैं भूल गई थी, अब मैं ज़रूर नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, मैं उसमें ज़रूर टेलर का फ़ोन नंबर लिख दूँगी और एड्रेस भी लिख दूँगी। तो आप वैसे वो बता रहे होते हैं काफ़ी लोग जाते हैं उनके पास, तो आप ज़रूर जाएँ उनके पास और अपना जो भी है देख लें अगर आपको सूट करता है तो। अच्छा मुझसे ना बहुत ज़्यादा सब क्वेश्चंस जो जूतों के पूछे हुए हैं ना, तो जो पाकिस्तानी जो हमारे ईस्टर्न कपड़े हैं शलवार कमीज या शॉल या वो जो हम लेते हैं या स्ट्रेट पैंट्स और लंबी शर्ट वगैरह, मोस्टली उनके साथ थोड़े से पीप टोज वाले शूज़, कोट शूज़ या पम्प्स या जो भी आप कहते हैं वो अच्छे लगते हैं। अगर फुली कवर्ड बिल्कुल बंद वाले पम्प्स भी हैं तो वो भी अच्छे लगते हैं। उस लोफर्स हैं, अगर आपकी पैंट्स थोड़ी सी एंकल्स तक हैं तो आप लोफर्स वगैरह भी बहुत अच्छे लगते हैं। अभी जो मैंने घर वाले पहने हैं वो तो ये फर वाले वॉर्म शूज़ हैं, लेकिन ओपन है मगर ये क्योंकि घर के हैं और बहुत सारी फर है तो ये वॉर्म रहते हैं। तो पाँव को वार्म रखना मुझे लगता है पाकिस्तान में जितना आपका पाँव गर्म होगा उतना आपको सर्दी कम लग रही होती है। बूट्स को जो भी हाई एंकल बूट्स आप अगर वेस्टर्न उसके साथ पहन रहे हैं और बाहर कहीं आप जाते हुए पहनते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, उसको भी आपके पाँव को प्रोटेक्ट भी करेगा बहुत सारी चीज़ों से। शादियों पे तो फिर आपको एक स्पेसिफिक वे ऑफ स्टाइल ही है हमारे मुल्क में, वही फॉलो करना होता है और ठीक भी है क्योंकि हॉल्स वगैरह जो हैं और या जो वेन्यूज़ होते हैं वो वहाँ पे नॉर्मली मौसम के हिसाब से सर्दी और गर्मी उन्होंने की होती है, हीटर्स होते हैं, कूलिंग सिस्टम होता है तो इतना अनकम्फर्टेबल नहीं होता। जूते फिर मैं आपको जो गर्म टाइप जूते जो मेरे पास हैं वो अभी मैं आपको लंच के बाद जाके दिखाती हूँ, मे बी आपको उससे हेल्प हो कि आप क्या लें। और ये भी है कि जो मेरी गेस्ट आ रही हैं उनसे भी मैं आपसे बात करवाना चाहूँगी, वो बहुत अच्छा बहुत कुछ कर रही हैं, इफ़ शी इज़ कम्फर्टेबल तो अभी हम उनसे भी बात करेंगे। गेस्ट के साथ मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि वो अभी जो कुछ भी वो असल में वो बहुत मैं सोचती हूँ कुछ लोग इतना ब्लेस्ड होते हैं, इतना वो काम कर रही है, इतना ज़्यादा लड़कियों को गर्ल्स को वो एक तरह से पावर कर रही है, उनको बहुत सारे डिफरेंट लोग उन्होंने हायर किए हुए जो उन लड़कियों को काम शाम सिखाते हैं। एक चाइनीज़ कहावत है ना कि डोंट गिव फिश, टीच देम हाउ टू फिश, तो एक्चुअली हाउ टू फिश वो सिखा रही है लड़कियों को कि वो कुछ ना कुछ काम अपना कैसा कर सकती हैं। अभी घर जाके अब मैंने कुछ खाना या मेन्यू वगैरह मैंने सोचा था मैं शेयर करूँगी मगर मैं बिल्कुल भूल गई, मैं नहीं कर सकी, लेकिन मैं जाके दिखाती हूँ अगर कुछ बचा हुआ है और कैसे था, अगर वीडियो कुछ पिक्चर हुई तो मैं शेयर भी कर लूँगी। लेकिन अब आज क्योंकि डाइनिंग रूम खुला हुआ है तो मैं आपके साथ रिकॉर्ड करने लगी हूँ अब फाइनली, जिसका सब बहुत कह रहे थे क्रॉकरी टूर पार्ट टू, जो मेरी ग्लासेस है जो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अभी वीडियो में। तो चलते हैं घर और वीडियो बनाती हूँ, इंशाल्लाह होपफुली आज मैं अपलोड कर दूँगी। अच्छा जी मैंने भी एक बहुत ही अच्छा कमेंट पढ़ा, एक बहुत प्यारी बच्ची है, मैं उनका नाम वैसे तो कमेंट्स में है ही, वो उन्होंने लिखा कि आपका देख के मैं बहुत सारी चीज़ें लेकर आई हूँ डेकोर की और टेबल सेटिंग की और वो सब, तो वो जो इतने जो एक डेढ़ साल से जो जो डिनर हो रहा है जो जो मैं उसकी सेटिंग और डेकोरेशन कर रही हूँ ना, वो अचानक मेरे लिए रिपीट करना तो वो इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप मेरी पिछली वीडियोज़ में कहीं ना कहीं देखेंगी ना तो वो आपको मिल जाएंगे, तो आप वो भी देख सकती हैं। और अब आप क्योंकि हैं मेरे साथ कनेक्टेड है मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर फैमिली में, तो आपको आगे जो आज होता जाएगा वो भी हम देखते जाएंगे। आज के लंच की जो पिक्चर्स थी मैं फाइनल लुक मेरा दिल चाह रहा था मगर मैं नहीं दिखा सकी, तो वेलकम टू दिस क्रॉकरी टूर माई व्लॉग जो कि पार्ट टू है, और आज मैं अपने ग्लासेस की कलेक्शन दिखाने लगी हूँ। सब लोग बहुत बहुत दिनों से वेट भी कर रहे थे, मैंने भी सोचा था मैं करूँगी लेकिन वो कुछ ना कुछ और चल रहा था और शादियाँ चल रही थी। आज के मैंने कपड़े सुबह भी दिखाए थे आपको, अभी वाइज में बाहर भी होकर आई हूँ, मैंने इसके साथ अपना ब्राउन कोट एक ऊपर पहन लिया था जो लंबा था, तो जॉगर्स पहने साथ में मेरे क्योंकि शुक्र अल्लाह का जॉगर्स का फैशन है।
लेकिन वही बात है कि खाना जितना भी अच्छा बना हो, जितना भी आपने मेहनत की हो, उसकी प्रेजेंटेशन और उसको अच्छे तरीके से खिलाना दूसरों को, और हम लोग हमारे मुल्क की जो एक तो बहुत अच्छी बात है ना, वो एक मेहमान नवाजी भी है, तो उसमें सब कुछ आ जाता है कि जो जो अच्छे बर्तन या अच्छी चीज़ें, स्पेशली अच्छे ग्लास आपने, मुझसे तो पानी भी कोई ग्लास अगर अच्छा नहीं है, साफ़ नहीं है, अच्छा किससे ज़्यादा अगर साफ़ नहीं है तो आप वो पानी का ग्लास पीना भी मुश्किल हो जाता है। मैं आपसे पहले तो ये मैंने रखे हैं जो मेरे नॉर्मल जो घर में यूज़ कर रही हूँ वो हैं, और उसके बाद मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ मेरी जिंदगी की जमा पूंजी, मेरी तिजोरी है। ये ग्लास थे हैं, शीशे के हैं, कांच के हैं, गोल्डन हैं, और यहाँ से ना ग्लास अगर बहुत मोटा हो तो भी मुझे नहीं अच्छा लगता, तो ये बारीक ही बहुत अच्छे डेलिकेट सा इनका मटेरियल है। अगर आप इस तरह से, अगर पता नहीं आई डोंट नो का कैमरे में कैसे आ रहा है, ये 6 ग्लास थे और इनके साथ फिर मैंने, अच्छा क्योंकि हम लोगों की जो पाकिस्तानी ड्रिंक्स, हमने नॉर्मली कोल्ड ड्रिंक लेनी होती है या वो, तो हमें बहुत ज़्यादा गॉबलेट्स की उस तरह की ज़रूरत नहीं होती, तो मैं ये वाले ग्लास ज़्यादा लेती होती थी। एक्चुअली पता, मैं जिस जगह से ले रही थी ना उस वक्त मुझे ये नहीं पता था, तो ये ज़्यादातर ग्लास मैंने ज़ारा से लिए, मैं ज़ारा होम से, अब शायद मैं ना लूँ वहाँ से कभी जाऊँ, तो मुझे ये वाला पैटर्न बहुत अच्छा लगा था इनके ग्लासेस का। तो ये शेप जो थी ना मुझे पाकिस्तानी खानों के लिए और पाकिस्तानी ड्रिंक्स के लिए, यानी कोल्ड ड्रिंक या उसके लिए मुझे ठीक लगता था। जो गॉबलेट था जो बहुत वाइड, वो हमारे तो किसी यूज़ का नहीं है, हाँ उसमें हम मीठा वगैरह या प्रॉन वगैरह जिस तरह डायनामाइट प्रॉन्स उसमें सर्व होते हैं वो हम कर सकते हैं। तो ये महंगे ग्लास थे, मैं जाके ना दो दो तीन तीन लेती थी जब 2-3 महीने बाद सेल लगती थी उधर से, तो इसमें फिर ये मेरे से 2 प्रिंट्स हो गए, क्योंकि एक दफ़ा मैं गई तो सेल लगी हुई थी, एक्चुअली मुझे ये चाहिए थे लेकिन जल्दी में ये वाला प्रिंट आ गया था। तो अब ये भी मेरे पास 12 ग्लास हैं और ये वाले भी 12 ग्लास हैं। ये फिर मुझे खाली 6 ही मिले थे और मेरा टेबल उस वक्त 6 का था, तो ये फिर मैंने खाली 6 ही लिए थे ग्लासेस। ये मेरे बल्कि इनफैक्ट शादी के टाइम के ग्लास हैं, और ये एक महंगा सा है, वो मुझे भूल गया, वो है गोल्ड प्लेटेड ये ग्लास थे, ये मैं लेकर जहाँ भी गई हूँ इनका अपना बॉक्स था, मैं उसमें पैक करके और आगे मूव कर जाती थी, हमेशा से अपने पास रखे मैंने। ये 3 ग्लासेस मैंने जो आज लगाए हुए थे ना टेबल पे, ये भी ज़ारा के ही थे, ये भी ग्लास मुझे बहुत अच्छे लगे थे, बड़ा ज़रा साइज़ था इन ग्लासेस का, मगर ये मुझे 3 के बाद ना ज़्यादा कभी दोबारा ही मिले नहीं, आए नहीं, तो मुझे डिज़ाइन अच्छा लगता था तो मैंने खाली 3 ही ग्लास फिर ये ले लिए थे। ये ग्लास थे, एक वहाँ पे था मुश्किल सा नाम था उसका, कोई फ्रेंच ब्रांड था, उसका नाम नहीं मुझे अब याद आ रहा, ये उसके ग्लास थे, ये मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी एक सायरा, जिसको मैं हमेशा याद रखूँगी, वो उसको मुझे जब ये ग्लास पसंद आया ना तो वो उससे बस एक मिशन बना लिया, वो जितनी दफ़ा मेरे घर आती थी ना वो 2 ग्लास 3 ग्लास करके उसने मुझे 12 ग्लास पूरे करके दिए थे। वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों में घर में मुझे अक्सर उसकी चीज़ें, उसे पता था मुझे घर का शौक है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें मुझे देती रहती थी, ये उससे मुझे दिए थे, तो उसकी याद है खैर मेरे पास ही हमेशा से। ये वो ग्लासेस हैं मेरे जो सारे महंगे ग्लास हैं। अच्छा नॉर्मल यूज़ के लिए घर के लिए ना मैंने ये ग्लास रखे हुए हैं और ये बहुत अच्छे हैं, इस तरह से मुझे इनका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है, इजी टू मेंटेन है और साफ़ अच्छे तरह से हो जाते हैं और टूट जाए तो इतनी गम भी नहीं होता। और उसके बाद मैं अब ये वाले ग्लास लेकर आई हूँ जो कि इसकी शेप मुझे बहुत अच्छी लगी थी और ये भी काफ़ी अच्छे, ये बिल्कुल सस्ते से थे ग्लास, मुझे लग रहा है कि मेरे ख्याल से 200-300 रुपये दर्जन थे, इस तरह से थे। तो ये मैंने घर के आम यूज़ के लिए ये लेकर आई थी ग्लास। तो एक और छोटी सी टिप ये है कि जब भी कभी ग्लास या जिस तरह हमारे तो डिश वॉशर्स वगैरह हम उनके घरों में तो नहीं होते, जब भी ग्लास धोएं
तो उसके बाद उसको एक साफ कपड़ा रख लें, टॉवल है जो किचन टॉवल होता है उसको साफ करके रखें। अगर आपने उसको गीला ही छोड़ दिया ना तो वो वाइट उसके ऊपर जो स्टेन्स होते हैं ना, वाटर स्टेन्स जो खुश्क हो जाता है पानी, वाटर सॉल्ट जो सॉल्ट्स होते हैं वो जम जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपका महंगे से महंगा ग्लास भी ख़राब और बर्बाद हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो इधर हम लोग लेते हैं जो स्कॉच ब्राइट या उसका जो फोम होता है उसके पीछे ग्रीन सा एक चीज़ लगी हुई होती है, तो कभी भी जो ग्लास धोएं उसको ग्रीन वाली साइड से ना धोएं बल्कि फोम वाली ही साइड से धोएं ताकि वो आपका ग्लास की चमक और वो मान ना पड़े। बेहतर तो ये है कि जो लिक्विड वॉशर्स मिलते हैं उसमें आप थोड़ी देर ग्लास को भिगो के निकाल लें और उसके बाद उसको धो के ड्राई करके रखें। तो ये जो आम घर में मेरे डेली यूज़ होने वाले ग्लासेस हैं ना वो भी वो ड्राई करके ही रखते हैं उसको, उस उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं रखा कि वो गीला उल्टा लटका दिया और खुद ही सूख जाएगा, ऐसे नहीं होता, उसके ऊपर ज़रूर सॉल्ट का निशान रह जाता है। तो अच्छा, ये सारी मेरी जमा पूंजी है ग्लासेस की जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी व्लॉग रहता है, क्रॉकरी का टूर अभी होने वाला रहता है, आहिस्ता आहिस्ता वो चलता रहेगा। अब ये वाले जो ग्लासेस हैं इनकी काफ़ी क्वांटिटीज़ हैं और अभी जो अंदर मेरे ग्लास पड़े हैं वो भी वो जब कभी निकालूंगी वो आपको दिखा दूंगी। महाराज जी मेरे फेवरेट और ज़रा थोड़ी महंगी सिलेक्शन थी, बहुत पुराने ये भी, और आज को जो मेरे घर गेस्ट आई थी ना मैं उनको बता रही थी कि जब हम ट्रैवल करते थे तो ये जो ग्लास है इनका एक एक ग्लास आबिद खुद जो बबल शीट में पैक करते थे अगर उनका केस नहीं है तो ये कभी ऐसे नहीं हुआ कि किसी भी शिफ्टिंग में ट्रैवलिंग में एक ग्लास भी टूटा हो। ये आप काफ़ी बड़ा सबूत है ये दिखाने बताने में कि कितने केयर से और कितने ख्याल से हम लोग अपने घर को बनाते रहे और संवारते रहे। तो अभी क्रॉकरी टूर रहता है, आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन चलता रहेगा और होता रहेगा। कल मिलेंगे किसी और बात के साथ। चांसी।